विवेक जी, विवेक जी आपसे मैं जवाब दे रही हूँ। आपके वॉकआउट ने, विपक्ष के वॉकआउट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जी देखिए पूजा जी, जिस 1.5 घंटे तक विपक्ष बैठ के धैर्य पूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, 1.5 घंटे, शुरू के 1.5 घंटे में प्रधानमंत्री महोदय के मुंह से मणिपुर का एक शब्द मौ भी नहीं निकला। सब सोच रहे थे कि अब बोलेंगे, नहीं बोले। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जब एहसास हुआ कि अब विपक्ष उठ के जा रहा है, जब उन पे दबाव पड़ा और ये उनको समझ में आ गया कि कल ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा, अगर मैं मणिपुर पे नहीं बोला विपक्ष बाहर जा रहा है, मजबूरी में आके उनको मणिपुर का नाम लेना पड़ा, ये एक वजह थी। अगर आप ध्यान से देखिए उनके 1.5 घंटे के भाषण में शुरू में मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोला था, चौके छक्के नो बॉल सेंचुरी यही सब बातें कर रहे थे, शराबी पिक्चर का गाना भी गा रहे थे, बहुत कम ध्यान दिया होगा उन्होंने गाना भी गा रहा था कि डूबने वाले को तिनके का साथ। ठीक है विवेक जी, समय थोड़ा सा कम है, मैं अपने सहयोगी संजीव का मैं रुख करना चाहूंगी। संजीव, आरोप प्रत्यारोप तो हम लगातार देखते ही रहेंगे और देख भी रहे हैं, लेकिन कल प्रधानमंत्री के भाषण ने ये तो साबित कर दिया है कि 2024 चुनाव का एजेंडा क्या कुछ रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे और वर्सेस ये लड़ाई किस किस के बीच रहेगी, ये तस्वीर कल साफ हो गई। देखिए अमूमन ऐसा होता है पूजा कि जब भी किसी सत्र के तुरंत बाद चुनाव होने वाले होते हैं या थोड़ी दिन बाद चुनाव होने वाले होते हैं तो सत्र भी चुनावी मैदान और अखाड़ा सा बन जाता है, और इस सत्र में भी पहले दिन से आज आखिरी दिन तक आपने देखा केवल टकराव की ही स्थिति रही। और प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में इंडिया और घमंडिया को ज्यादा महत्व दिया और इतना उसके बारे में बोलना, और फिर ये आप कंपेयर करें कि वो यूपीए के बारे में कभी इतना नहीं बोला करते थे, तो विपक्ष को लगता है कि इसका असर हो रहा है और हमने जो इंडिया बनाया है ये गठबंधन वाकई में कायदे का है और प्रधानमंत्री इसके बारे में सोच रहे हैं कि कैसे टक्कर दिया जाए। तो इस तरह की चीजें संदेश के तौर पर निकाली गई हैं वहां से। कोई मणिपुर के लिए फौरी समाधान की बात नहीं निकल पाई, ये दुर्भाग्य तो है, लेकिन अब ये है कि राजनीति की दिशा तय हो गई है। सामने 3 बड़े चुनाव राज्यों में, 4 राज्यों में कह लीजिए या 5वां राज्य मिजोरम, 5 राज्यों में चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव है, तो नियति यही होनी थी। और शीत सत्र जो आने वाला है, आज ही हम मानसून सत्र के आखिरी में ये कह दें कि कुछ अलग नहीं रहने वाला है, टकराव की ही स्थिति रहेगी, आंकड़ों का खेल ही रहेगा और इसी तरह के भाषण आपको तब भी सुनने को मिलेंगे पूजा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त थोड़ा सा हमारे पास कम है, लेकिन 2024 के चुनाव में आखिर ये लड़ाई किस किस के बीच रहने वाली है और क्या मुद्दे हावी रहेंगे, इसकी तस्वीर तो कल सामने आ ही गई है। पिछले 3 दिन लगातार चर्चा रही अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, अंत क्या होना था इसका वो सब जानते ही थे, लेकिन मणिपुर को क्या इंसाफ मिला ये भी एक बड़ा सवाल है। जवाब जरूर दिए गए, लेकिन मणिपुर की जनता क्या अभी उन्हीं सवालों के साथ टकटकी लगाए सरकार की तरफ देख रही है, ये भी अभी चिंता का विषय है। लगातार ब्रेकिंग विद एजेंडा में हम मुद्दे उठाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहेगा न्यूज 24।